साइंस देख चुके हैं और नेगेटिव में भी आप कई बार देख चुके हैं, कहानीकार के तौर पर देख रहे हैं और इस बार लगता है कि पवन को जैसा कि हर कोई भोजपुरी में इतना चाहते हैं तो कमाल करेगी फिल्म जी। एज एन एक्टर इन्होंने प्रूव किया, जैसा हर लोग कहते थे कि सिंगर है सिंगर है, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सिंगर ने प्रूव किया कि मैं जितना बेहतरीन सिंगर हूँ और एज ए सिंगर कर रहे हैं। आइए भाई, ये राकेश मिश्रा जी हैं, हमारे भाई हैं, पवन के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, दो लाइन सुना दी माता जी का। ये गाना गावे के पहले हम एल्बम में बोल चुकल बनी कि आप लोगन के आशीर्वाद और माई की कृपा से हम बच गेल बनी, तो जिंदगी मिलला के बाद हम अपन कैरियर के शुरुआत अपने देवी गीत गीत के कैसेट से ही कैले बनी। उमे वन लाइन बा, हरे माथे बनले बा चुनरिया हो, माथे बनले बा चुनरिया हो, तोहरे दया से पवनवा भजन गावता। इसका लाइन यही है, ए माई तोहरे दया से पवनवा भजन गावता। सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम नमस्कार, और मीडिया तो हमारी मीडिया है, और दूसरा बात कि अगर ज़िंदगी में किसी की एक ख्वाहिश होती है तो हर इंसान के पीछे रहता है कुछ ना कुछ ऐसा बात, तो हमारा ज़िंदगी का ख्वाहिश पूरा हुआ कि हम उन व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो हमारे गुरु बड़े भाई आदर्श, एक माता पिता का श्रेय है इनके लिए, और विशेष कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जिनको पाने के लिए बरसों लगा वो हमें अब मिले, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और हम एक ऐसे एक्टर के एक साथ काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी भोजपुरी इतिहास के एक सुपरस्टार हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा हमारा इनके साथ हम काम करने जाए। और आशीर्वाद बड़े भैया अनिल भैया का, जो इन्होंने बोला कि भाई दोनों भाई साथ में काम करेंगे, और भैया का आशीर्वाद प्यार रहा और ये गार्जियन है, इनका आदेश रहा, हम लोग कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि भैया से बहुत कुछ सीखें। हाँ, बड़े डायरेक्टर सर है। किरदार जो भी है, जैसे भैया बताएं कि भैया का एक बहुत ही ऐसा करेक्टर है जो कि प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्यार हमू करते नहीं, हमू प्यारे के बुखार के बीमारी के आदमी हैं, मान लो कि प्यार से दूर थोड़े केहू रहला, लेकिन बस फिल्म के नाम ही ऐसा बाकी केहू समझ सके लगे दो आदमी बात लड़ाई के करा खाती होता। इस फिल्म में म्यूजिक कर रहे हैं मधुकर आनंद जी और गाना लिख रहे हैं हमारे चाचा जी हैं विनय बिहारी जी। मेरे लिए भी, मेरे लिए सिंगिंग और गायकी जो है उसका पहला पद है, मेरे लिए एक्टिंग दो नंबर पे आता है। बाद में फोटो लेंगे ना।